इस वीडियो में जॉन प्लेट पार्ट वन में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जॉन प्लेट पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें रिवाइज करते हैं, वो क्या है। एक घटना होती है इंटरफेरेंस और एक होती है डिफ्रेक्शन, व्यतिकरण विवर्तन। विवर्तन सामान्यतया ये होता है कि अगर कोई सोर्स है और उसके आगे कोई ऑब्स्टेकल है, तो यहाँ से चलने वाली जो तरंग है ये तरंग इस तरह से यहाँ से स्क्रीन पर टकराएगी तो यहाँ पर लाइट होना चाहिए, यहाँ पर शेडो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी लाइट मिलती है। यहाँ पर भी कुछ लाइट मिलती है, शेडो पार्ट। इस घटना को विवर्तन कहते हैं। प्रकाश तरंगों में भी होता है, ध्वनि तरंगों में भी होता है, लाइट इन शेडो पार्ट, ये विवर्तन की घटना है। दूसरी चीज हम ये रिवाइज करते हैं कि एक हाइगन का तरंग सिद्धांत। हाइगन नाम के वैज्ञानिक ने एक तरंग सिद्धांत दिया कि जब तरंग माध्यम में चलती है तो माध्यम के कण कंपन करते हैं और अपनी एनर्जी अपने पास वाले कण को दे देते हैं, फिर पास वाला कण वाइब्रेट करता है तो वो दूसरा सोर्स बन जाता है। उसने हाइगन ने इसको सेकेंडरी सोर्स का, द्वितीयक तरंग का स्रोत, और उससे निकलने वाली तरंग को उसने तरंगी का या वेवलेट कहा। तो एक हाइगन प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट ये है। तो हम ये देखें कि अगर यहाँ से रेज जा रही हैं तो इधर तो ऑब्स्ट्रक्ट होगी, इधर आ रही है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट है वो सेकेंडरी वेव्स का सोर्स बन जाएगा, जितने भी पॉइंट्स होंगे और उनमें से सेकेंडरी वेव्स निकले। अब इस प्रिंसिपल को उपयोग करके फ्रेनल ने डिफ्रेक्शन को इस तरह से समझाया कि जो डिफ्रेक्शन है वो इन सेकेंडरी वेव्स का इंटरफेरेंस है। मान लीजिए कि सोर्स है, उस सोर्स के सामने ये स्लिट है और इसमें से यहां से ये पॉइंट्स सेकेंडरी वेवलेट्स भेज रहे हैं, उन सेकेंडरी वेव्स जो एक दिशा में जा रही उनके मिलने से व्यतिकरण होता है, उसको हम विवर्तन कहते हैं। यानी उसने इस तरह से समझाया कि जो डिफ्रेक्शन है वास्तव में वो सेकेंडरी वेव्स का इंटरफेरेंस है, द्वितीयक तरंगिकाओं का व्यतिकरण विवर्तन है। और आगे चलते हैं, एक होता है तरंगा वेवफ्रंट। अगर ये सोर्स है और सोर्स से तरंग चल रही है और किसी निश्चित समय में यहाँ पहुँची, किसी दूसरी दिशा में उतने ही समय में उतनी ही दूरी पर पहुँचेगी, ये डिस्टेंस बराबर होंगे, तो ये सारे पॉइंट्स एक साथ सेकेंडरी सोर्स बनेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स जो होंगे ये समान कला में होंगे,
सो दीज आर दी पॉइंट्स ऑफ इक्वल फेज. तो इनको अगर हम मिलाएंगे तो ये जो कवर बनेगा, इसका जो इन्वेलप बनेगा वो होगा लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ द इक्वल फेज, समान कलाओं का, कला के बिंदुओं का बिंदु पथ. इसको हम बोलते हैं तरंगार्ध, यानी तरंगार्ध के फ्रंट के सारे पॉइंट्स सेम फेज में एक साथ. अब ये सेकेंडरी सोर्स बन गए. अब ये सेकेंडरी सोर्स यहाँ से फिर वेव्स निकलेंगी, यहाँ से फिर वेव्स निकलेंगी. ये वेव फ्रंट सर्कुलर वेव फ्रंट है, वृत्तीय तरंगार्ध. अगर ये सोर्स दूर हो तो जो सर्कुलर वेव फ्रंट बनेगा वो ऐसा बनेगा. इफ वी कंसीडर ए स्मॉल पोर्शन ऑफ इट, इट विल बी नियरली स्ट्रेट. तो ये एक प्लेन वेव फ्रंट बनेगा. ये गोलाकार है, टू डायमेंशन में सर्कल बनता है. हाँ, तो एक्चुअल में इसको वृत्तीय कह रहे हैं, ये स्फेरिकल है, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है. ये सब तरफ है, चारों तरफ, और इसका एक पोर्शन लिया है ये प्लेन वेव फ्रंट. इसको सामने से देखेंगे फ्रंट में ये साइड व्यू है तो ऐसा दिखे. और इसके सारे जो पॉइंट्स होंगे वो सब सेम फेस पे. तो ये समतल तरंगाग्र ये कहलाता है. अब फ्रेनल ने कोई समतल तरंगाग्र से जब हम डिफ्रेक्शन पढ़ रहे हैं और विवर्तन हो रहा है और विवर्तन में द्वितीयक तरंगिकाओं का व्यतिकरण हो रहा है, तो समतल तरंगाग्र के कारण इसमें से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं से जो व्यतिकरण हो रहा है वो रिजल्टेंट कैसे निकालें, तो उसने एक विधि निकाली. उसको बोलते हैं फ्रेनल्स हाफ पीरियड जोन्स मेथड, फ्रेनल्स हाफ पीरियड जोन मेथड, फ्रेनल की अर्ध आवर्ती जोन की विधि. ठीक है, सो दीज बेसिक्स कीप इन माइंड कि हम प्लेन वेव फ्रंट को हाफ पीरियड जोन में डिवाइड करेंगे. यहां से हम अब जोन प्लेट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं अगले वीडियो में.